स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। कैसे जो कल तक बंजर, गरम, धूल मिट्टी भरा रेगिस्तान हुआ करता था, वो आज लोगों के सपनों का शहर बन गया। कैसे जो शहर कल तक पानी की एक एक बूंद को तरसता था, वो आज सालाना 129 बिलियन गैलन ऑफ वाटर का इस्तेमाल कर रहा है। कैसे जिस शहर में 1980 तक चलने को सड़कें, खाने को पर्याप्त भोजन और दैनिक जीवन की मूलभूत सुविधाएं तक मौजूद नहीं थी, वो दुनिया की चकाचौंध का केंद्र बन गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पर्शियन गल्फ के करीब अरेबियन पेनिनसुला में बसे यूएई के शहर दुबई की। दुबई, जो 18वीं शताब्दी तक सिर्फ एक आम फिशिंग विलेज हुआ करता था, वो आज एक अल्ट्रा मॉडर्न सिटी के रूप में उभर के सामने आया है। लग्जूरियस शॉपिंग मॉल्स, मॉडर्न आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स, अंडरवाटर जू, आर्टिफिशियल आइलैंड्स और भी बहुत कुछ। दोस्तों, जिस कदर दुबई ने पिछले 4 दशक में अपनी काया पलट की है, उसे देखकर आपके मुंह से सिर्फ यही अल्फाज निकलेंगे कि ये कुदरत नहीं बल्कि मानव का करिश्मा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंसान अपने बाजुओं की ताकत और दृष्टि से किसी भी नामुमकिन चीज को मुमकिन नहीं बना सकता, तो फिर इस वीडियो के अंत तक आपकी ये सोच जरूर बदलने वाली है। दोस्तों, आज का हमारा ये डिस्कशन सिटी ऑफ सुपरलेटिव कहे जाने वाले अल्ट्रा मॉडर्न, अल्ट्रा स्मार्ट शहर दुबई को जानने, उसकी कामयाबी के पीछे छुपे कारणों को समझने और उससे मिली सफलता से बहुत कुछ सीखने का एक छोटा सा प्रयास है, जहां हम देखेंगे कि किस तरह 4000 स्क्वायर किलोमीटर में बसे इस शहर ने खुद को दुनिया के लिए प्रेरणा लेने और प्राकृतिक चुनौतियों का निडर होकर सामने करने का एक जीता जागता उदाहरण बनाया है। हम ये भी देखेंगे कि कौन से वो रास्ते हैं जिन्हें अपनाकर दुबई ने इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन करके दिखाया है, और साथ ही मिडिल ईस्ट समेत दुनिया के बाकी देश दुबई से क्या सीख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या राज है दुबई की कामयाबी का। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है, और इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल यूपीएससी GS3 के इकोनॉमी सेक्शन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन या एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन में भी पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, दुबई यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 7 एमिरेट्स में से एक है। आज यूएई की कैपिटल और 7 एमिरेट्स में से एक अबू धाबी के बाद दुबई यूएई का सबसे महत्वपूर्ण एमिरेट्स है। अगर हम आज के दुबई की बात करें तो ये शहर ग्लोबली अपने टूरिज्म के लिए जाना जाता है। आज ये शहर दुनिया के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। अगर आप लग्जूरियस होटल्स में रहना पसंद करते हैं तो आपकी बकेट लिस्ट में दुबई सबसे टॉप प्रायोरिटी पर होना चाहिए। आज दुनिया का एकमात्र 7-स्टार होटल बुर्ज अल अरब दुबई में ही मौजूद है। वहीं दुनिया के सबसे ज्यादा 5-स्टार होटल्स के मामले में भी दुबई लंदन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। लेकिन दुबई के एक हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने का कारण सिर्फ वहां के हाईली लग्जूरियस मॉल्स या होटल्स नहीं है। आज दुनिया की लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट से स्मार्ट गैजेट और सस्टेनेबल से सस्टेनेबल मेथड का इस्तेमाल भी दुबई में किया जा रहा है। मेगा स्पीड हाईवेज, ड्राइवरलेस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज और इको फ्रेंडली बिल्डिंग से लेकर स्मार्ट पुलिस स्टेशन तक दुबई की टेक्नोलॉजिकल विविडनेस को शो करता है। आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स, लो वाटर एग्रीकल्चर सिस्टम और रेगिस्तान के बीच बने मैनमेड फ्लावर गार्डन्स देखकर आपको यह महसूस होगा कि सीमित संसाधनों का सटीक इस्तेमाल किसे कहते हैं। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि एक डेजर्ट होने के बावजूद आज दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल फार्म दुबई में ही मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस तरह के अल्ट्रा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने और आर्टिफिशियल फार्म्स बनाने के लिए दुबई के पास इतना पैसा आया कहां से? कैसे यूएई का ये आम फिशिंग विलेज देखते ही देखते मैनमेड पैराडाइज बन गया? अरेबियन पेनिनसुला में होने के कारण जनरली ऐसा माना जाता है कि जरूर दुबई के पास ये पैसा क्रूड ऑयल बेचकर आया होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के एनुअल रेवेन्यू का सिर्फ और सिर्फ 1% ऑयल ट्रेड से आता है। खाड़ी में मौजूद दूसरे देशों या दूसरे शहरों की तरह दुबई की इकॉनमी ऑयल बेस्ड नहीं है। तो फिर अगर दुबई की काया पलट के पीछे ऑयल मनी नहीं है तो फिर क्या है? दोस्तों, इस सवाल के जवाब को समझने के लिए आपको वक्त में थोड़ा पीछे चलकर दुबई के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण किरदारों के बारे में जानना और समझना होगा। कुछ ऐसे किरदार जिनके विजन से आज की दुबई की संरचना मुमकिन हो पाई, कुछ ऐसे किरदार जिनका मानना था कि व्हाटएवर दुबई शुड डू, इट शुड डू इन स्टाइल। दोस्तों, वो किरदार हैं दुबई के शेख राशिद बिन सईद अल मक्तूम और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम।
लेकिन दुबई के डेवलपमेंट में इन किरदारों के रोल को समझने से पहले चलिए एक नजर दुबई के इतिहास पर डालते हैं। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर यह कोई ऐड नहीं है, बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी आईक्यू ने अपना यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900 प्लस आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ। मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी UPSC का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। एंड जस्ट टू मेंशन, ये प्राइस लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों, बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 30th of September मॉर्निंग 8 AM से हो रही है, तो अब आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करके अपनी UPSC की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी IQ के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिंड कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे ये कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो दुबई हमारी आंखों के सामने है वो भले ही देखने में हमें एक मॉडर्न और न्यूली कंस्ट्रक्टेड शहर लगे, लेकिन दुबई का अपना एक लंबा इतिहास रहा है। ऐसा कहा जाता है कि ये शहर लगभग 300 BC से अस्तित्व में है। ब्रॉन्ज एज के दौरान भी दुबई में ह्यूमन सेटलमेंट्स मौजूद थी, लेकिन दुबई और बाहरी दुनिया का संपर्क 5th century के बाद स्टैब्लिश हुआ, जब दुबई ओमान और इराक के आसपास के इलाकों में होने वाले ट्रेड के लिए एक कनेक्टिंग रूट के रूप में उभर के सामने आया। एक ट्रेडिंग पॉइंट के रूप में सामने आने से पहले दुबई को सिर्फ उसके पर्ल और फिशिंग ट्रेड के लिए जाना जाता था। 18th century आते आते दुबई के साथ दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। नंबर एक, ये छोटा सा ट्रेडिंग रूट ब्रिटिशर्स पोर्टुगीज समेत यूरोप के दूसरे देशों की नजर में आ गया। और नंबर दो, दुबई में बानी ट्राइब का कंट्रोल एस्टैब्लिश हुआ। दोस्तों, मिडिल ईस्ट से लेकर अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में ट्रेड करने के लिए दुबई का एक ट्रेडिंग स्टेशन के रूप में महत्व सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने समझा। इसके चलते ब्रिटिशर्स ने दुबई के लोकल रूलर्स के साथ बॉन्ड एस्टैब्लिश किया। दूसरी तरफ दुबई में एक लोकल ट्राइब बानी के पावर में आने से दुबई को वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिली जिसने ब्रिटिश समेत दूसरे यूरोपियन ट्रेडर्स के सेटलमेंट को दुबई में मुमकिन बनाया। दोस्तों, आगे चलकर इसे बानी ट्राइब के एक लोकल रूलर मक्तोम बिन बुट्टी ने अपने कुछ साथियों के साथ एक नए साम्राज्य को बनाने के उद्देश्य से शिंदगा पेनिनसुला जाने का फैसला किया। मक्तोम बिन बुट्टी के इस फैसले ने दुबई और UAE के इतिहास को पूरी तरह बदल कर रख दिया। शिंदगा पेनिनसुला में जाकर जिस जगह को बसाया वो आज अबू धाबी के नाम से जानी जाती है, और दुबई में आज भी मक्तोम बिन बुट्टी की डायनेस्टी का ही राज है। धीरे धीरे वक्त के साथ दुबई आगे बढ़ता रहा, लेकिन 1950s में दुबई में पहली बार ऑयल की डिस्कवरी ने इस शहर को अचानक से वर्ल्ड अटेंशन में ला दिया। ऑयल की डिस्कवरी ने दुबई समेत पूरे UAE की इकोनॉमी को सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर दिया। अब सऊदी समेत खाड़ी के दूसरे देशों की तरह ही दुबई और UAE के पास भी एक ऐसा रिसोर्स मौजूद था जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड थी। लेकिन जल्द ही दुबई ने इस बात को महसूस कर लिया कि सिर्फ और सिर्फ ऑयल पर डिपेंडेंट रहने से लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को अचीव नहीं किया जा सकता, और यहाँ से शुरुआत होती है मॉडर्न डे सक्सेसफुली सस्टेनेबल और स्मार्ट दुबई की। दोस्तों, आज जिस कामयाबी की बुलंदियों की इमारत पर दुबई खड़ा है उसकी मजबूत नींव रखने का श्रेय शेख राशिद बिन सईद को जाता है। शेख राशिद ने साल 1958 में दुबई की बागडोर संभाली और लगभग अगले 32 सालों तक रेन किया। अपने 32 सालों के दौरान शेख राशिद ने दुबई में कुछ ऐसे कदम उठाए जिन्होंने दुबई के डेवलपमेंट के लिए फर्टाइल लैंड की तरह काम किया। 1950 के जिस दशक में शेख राशिद ने दुबई की कमान अपने हाथों में ली वो बहुत से इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रहा था। शहर की फेमस पर्ल और फिशिंग इंडस्ट्री पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी और रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट था। लेकिन शेख को यह पता था कि एक एवरलास्टिंग एम्पायर के पिलर्स ऑयल एक्सपोर्ट को फाउंडेशन बनाकर नहीं खड़े किए जा सकते हैं। अपने फेमस स्टेटमेंट में शेख राशिद ने कहा था, मेरे पिता ऊंट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूं, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाता है, उसका बेटा लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन उसका बेटा ऊंट की सवारी करेगा।
शेख राशिद को यह पता था कि ऑयल एक ऐसा रिसोर्स है जो एम्पायर को शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो देगा लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकेगा। इसी के चलते शेख राशिद ने रेवेन्यू के दूसरे सोर्सेस को तलाशना शुरू किया। उनकी तलाश भी वहीं से शुरू हुई जहां पर कहानी का आखिरी अध्याय समाप्त हुआ था, ट्रेडिंग पोर्ट्स पर। दोस्तों, शेख राशिद ने सबसे पहले दुबई को एक रीजनल ट्रेडिंग हब बनाने का फैसला किया। इसके चलते उन्होंने एक के बाद एक कोस्टल एरियाज में पोर्ट के लिए सूटेबल लोकेशन ढूंढने और वहां पर पोर्ट बनाने का काम शुरू किया। इन लोकेशन को सिलेक्ट करते हुए शेख ने आसपास के दूसरे ट्रेडिंग हब्स और बिजी कार्गोज रूट्स को भी खूब स्टडी किया। शेख का मानना था कि पोर्ट्स ऐसी जगह बनाए जाए जहां से मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। उदाहरण के तौर पर ईयर 1972 में बने पोर्ट राशिद की लोकेशन कुछ ऐसी रखी गई ताकि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के जरिए सेंट्रल एशिया के नदर्न और सदर्न दोनों तरफ आसानी से ट्रेड किया जा सके। वहीं दुबई की लोकल वेसल्स और बाहर से आए फॉरेन वेसल्स को रिपेयर करने के लिए शेख राशिद ने दुबई ड्राई डॉक्स का काम शुरू करवाया। ये ड्राई डॉक अपने समय में पूरे पर्शियन गल्फ का एकमात्र रिपेयर यार्ड हुआ करता था। इसके बाद शेख राशिद ने पोर्ट को दुबई के इंटरनल एरियाज से जोड़ने के लिए ईयर 1975 में अल शिंदगा टनल का निर्माण शुरू किया। शेख का मानना था कि बिना इंटरनल कनेक्टिविटी के पोर्ट के मैक्सिमम बेनिफिट्स को यूटिलाइज नहीं किया जा सकेगा। ईयर 1979 में शेख राशिद ने दुबई में होने वाले इवेंट्स और एग्जीबिशन के लिए एक स्काई स्क्रैपर बनाने का फैसला किया। दोस्तों, स्काई स्क्रैपर एक ऐसी बिल्डिंग को कहा जाता है जिसकी टोटल हाइट 490 फीट से ज्यादा हो। इस बिल्डिंग का नाम दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रखा गया। 39 स्टोरी लॉन्ग ये कॉम्प्लेक्स अपने समय में मॉडर्न आर्किटेक्चर की एक बेमिसाल संरचना थी जिसे जॉन आर हैरिस एंड पार्टनर्स ने डिजाइन किया था। 26 फरवरी 1979 में इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन खुद क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने किया था। मॉडर्न पोर्ट्स, टनल्स और कॉम्प्लेक्स बनाने के बावजूद शेख राशिद का दुबई के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा योगदान दुबई में कमर्शियल फ्री जोन बनाने को माना जाता है। दोस्तों, कमर्शियल फ्री जोन एक ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया को कहा जाता है जहां गुड्स को इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, हैंडल, स्टोर या रीएक्सपोर्ट बिना किसी कस्टम ड्यूटी के किया जाता है। ऐसे जोन्स ट्रेड्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए हेवन की तरह होते हैं जहां वो अपने गुड्स पर मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसी वजह से शेख राशिद ने 1990s में जेबेल अली पोर्ट को एक कमर्शियल फ्री जोन बनाने का फैसला किया। फलस्वरूप दुबई के इन्वेस्टमेंट और ट्रेड से होने वाले रेवेन्यू में सिग्निफिकेंट बूम आया। इस सब के अलावा शेख राशिद ही वो शख्स थे जिन्होंने यूएई के सभी अमीर्स को पूरे यूएई के लिए एक कॉमन करेंसी अडॉप्ट करने का सुझाव दिया ताकि एक कॉमन करेंसी से फॉरेन एक्सचेंज के मुकाबले लोकल यूएई करेंसी को मजबूत बनाया जा सके। आज इस कॉमन करेंसी को धीरम कहा जाता है जो यूएई की ऑफिशियल करेंसी भी है। दोस्तों, शेख राशिद के बाद दुबई को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उनके बेटे और दुबई के प्रेजेंट अमीर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के कंधों पर आई और उन्होंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर उम्मीद से बढ़कर कामयाबी हासिल की। शेख मोहम्मद अपने पिता की ही तरह दूर की सोच रखने वाले व्यक्ति थे। दुबई की गद्दी पर बैठने से पहले शेख मोहम्मद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड सिविल एविएशन के इंचार्ज भी रह चुके थे। इसी वजह से उनका विजन अपने पिता से भी ज्यादा डायनेमिक था। अपने पिता की ही तरह शेख मोहम्मद ने भी दुबई की डेवलपमेंट के अपने अध्याय की शुरुआत देश के ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने से की। जहां उनके पिता ने वाटर ट्रांसपोर्टेशन को सहारा बनाया, वहीं शेख मोहम्मद का ध्यान एयर ट्रांसपोर्टेशन पर गया। इसीलिए उन्होंने दुबई में एमिरेट्स एयरलाइन की शुरुआत की। आज ये एयरलाइन दुनिया की सबसे बिजिएस्ट एयरलाइंस में से एक है जो दुबई को लगभग दुनिया के हर कोने से जोड़ती है। लेकिन जैसा कि हमने बताया, शेख मोहम्मद एक डायनेमिक लीडर है। उन्होंने अपने एयर कनेक्टिविटी के चैप्टर को कन्वेंशनल एयरलाइंस पर ही नहीं रोका। ईयर 1989 में शेख मोहम्मद ने दुबई एयर शो की शुरुआत की, एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म जहां दुनिया भर की एविएशन टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट को एक छत के नीचे लाया जा सके। आज ही एयर शो 1000 से भी ज्यादा कंपनीज को ग्रो करने का प्लेटफॉर्म बना के दे चुका है। दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि देश के एविएशन सेक्टर को इतना रैपिडली इंप्रूव करने के पीछे शेख मोहम्मद का एक दूसरा लॉन्ग टर्म गोल था। वो गोल था दुबई को एक ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना। इसकी शुरुआत हुई दुबई में एक के बाद एक अल्ट्रा लग्जूरियस होटल्स बनाने से। सबसे पहले ईयर 1999 में दुबई का फेमस बुर्ज अल अरब होटल को बनाया गया, जिसके बाद तो मानो दुबई में लग्जूरियस होटल्स बनाने की एक लड़ी सी लग गई।
दुनिया के दूसरे शहरों की तरह दुबई के पास कोई ज्यादा मोन्यूमेंटल या नेचुरल साइट्स नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ दुबई के इन होटल्स की आलीशान जिंदगी को जीने हर साल हजारों लोग दुबई आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2022 के फर्स्ट हाफ में दुबई टूरिज्म का टोटल रेवेन्यू $5 बिलियन रहा है, जिसके पीछे इन होटल्स का एक बड़ा योगदान रहा है। लग्जूरियस होटल्स के अलावा आज दुनिया में मॉडर्न जू, मॉडर्न आर्ट गैलरीज और स्काई डाइविंग जैसी अनेक सुविधाएं भी मौजूद हैं, जो इन होटल्स को यात्रियों के लिए कंप्लीट फन पैकेज बना देती हैं। शेख मोहम्मद ने दुबई को टूरिस्ट हब बनाने के लिए दुबई में बहुत से इंटरनेशनल इवेंट्स और फेस्टिवल को भी शुरू करवाया। 1995 में शुरू हुए दुबई शॉपिंग फेस्टिवल ने दुबई की ही नहीं बल्कि पूरे यूएई की इकोनॉमी को सिग्निफिकेंटली बूस्ट किया। एविएशन सेक्टर और टूरिज्म को बूस्ट करने के अलावा शेख मोहम्मद ने देश में टेक्नोलॉजी और कॉमर्स को बढ़ाने की दिशा में भी खुद काम किया है। इसके लिए उन्होंने ईयर 1999 में ही दुबई इंटरनेट सिटी यानी DIC को बनाने का काम शुरू किया। DIC एक ऐसा ट्रेड फ्री टेक्नोलॉजिकल हब था जहां इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस को रैपिडली ग्रो करने की हर मुमकिन मदद मुहैया करवाई जाती थी। शेख मोहम्मद इस बात को बखूबी जानते थे कि अपने सपनों का एवरलास्टिंग सस्टेनेबल दुबई बनाने के लिए उन्हें बाहरी मदद की जरूरत पड़ेगी। अगर शहर में डेवलपमेंट करना है तो फिर बाहर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को दुबई में लाना होगा। DIC का निर्माण इसी दिशा में एक कदम था। DIC को कुछ इस तरह बनाया गया कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स और कंपनीज को यहाँ आकर काम करने के लिए आकर्षित किया जा सके। इसके लिए कंपनीज को लॉन्गर लैंड लीजेस दी जाने लगी। कंपनीज को अपनी फुल ओनरशिप अपने पास रखने का हक दिया गया, यानी DIC में काम कर रही कंपनी को अपनी किसी भी इक्विटी को मार्केट डाइल्यूट करने की कोई पाबंदी नहीं थी। कंपनीज के हसल फ्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम डेवलप किए गए। गवर्नमेंट के कंपनी रिलेटेड वर्क में इंटरवेंशन को मिनिमम से मिनिमम किया गया ताकि इन कंपनीज और उनके इन्वेस्टर्स को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। यही सब वो कारण थे जिसके चलते गरम बंजर दुबई सपनों की नगरी बनने में कामयाब रहा। शेख मोहम्मद के नेतृत्व में आज दुबई बाकी खाड़ी देशों और वहां के शहरों से बहुत आगे नजर आता है। आज नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेकर आउटर स्पेस तक दुबई की प्रेजेंस हर फील्ड में देखी जा सकती है। साल 2015 में शेख मोहम्मद ने दुबई में द मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर को इनॉग्रेट किया, जो अब मार्स के आउटर स्पेस में एक प्रोग्राम डेवलप कर रहा है। लेकिन शेख मोहम्मद का इंटरेस्ट सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इवेंट करवाने तक ही सीमित नहीं था। स्पोर्ट्स फील्ड में भी दुबई ने पूरी दुनिया का स्वागत खुली बाहों के साथ किया। आज दुबई में हॉर्स रेसिंग को करवाने से लेकर हॉर्स के ब्रीडिंग सेंटर्स तक डेवलप हैं। कार रेसिंग से लेकर क्रिकेट ग्राउंड तक आज दुबई में हर इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मौजूद है। यहां तक कि कोविड के दौरान हमारे IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग और इस साल हुए एशिया कप के भी मैचेस दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए थे। इन सब के अलावा शेख मोहम्मद ने सस्टेनेबिलिटी को भी अपनी डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना। बैरन अनयूज लैंड को यूजफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल फार्मलैंड्स, गार्डन, यहां तक कि मिनी फॉरेस्ट तक डेवलप करवाए। शहर की इमेंस वाटर नीड को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के जरिए मिनिमम एक्सपेंडिचर के साथ सेलीन वाटर को ड्रिंकेबल बनाने के प्लांट्स भी बनाए गए, ताकि बाहर से आने वाले वाटर इम्पोर्ट को कम से कम किया जा सके। अगर शॉर्ट में कहें तो आज डिफिकल्टीज को पॉसिबिलिटी में कैसे बदलते हैं, दुबई इसका जीता जागता उदाहरण है। शायद दुबई में बने आर्टिफिशियल पाम जुमेरा को देखने से पहले कोई इस तरह के आइलैंड की कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन ये दुबई और शेख मोहम्मद का ही कमाल था, जिन्होंने मानव सोच को अपनी सीमाओं के दायरे से बाहर निकाल के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने की हिम्मत दी। तो अभी तक दुबई का सफर बेहद मजेदार और रोचक रहा है। दुबई की कहानी अपने आप में मिसाल है कि अगर सोच लो तो क्या ही नामुमकिन है। उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा शहर दुनिया को अपने कारनामों से ऐसे ही हैरान करता रहे, ताकि बाकी शहरों को भी बदलते वक्त के साथ परिवर्तन करने की हिम्मत मिलती रहे। दोस्तों, जाते जाते मैं एक नोट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि हमारे भारत के पास भी बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जो कि पोर्ट सिटीज़ हैं या फिर आइलैंड स्टेट्स हैं, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। उनके भी पोटेंशियल को अगर सही ढंग से प्रयोग किया जाए और उनके डेवलपमेंट में अगर इनोवेशन को ऐड किया जाए तो भारत के भी बहुत से ऐसे शहर हैं जो दुबई बनने का पोटेंशियल रखते हैं। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर फिलहाल के लिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट,
Although India has diverse natural resources, but it can still learn the lesson of using these resources sustainably from a city like Dubai. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा. हम मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई affordable.